तो तुम खबर ही थे दोनों लिए के? वाजपेयी पे नजर रखते थे? सच कहूं तो नलिया को मेरे या मेरे जैसे को कोई जरूरत ही नहीं। जात वालों की हमेशा मदद करता है नलिया, इससे बिरादरी पे कंट्रोल रहता है। चित्रकूट में शायद ही कोई ऐसा गुजर परिवार होगा जिस पे नलिया या ग्वाला भाई के एहसान ना हो। तुम पर कितने? दो। जब पुलिस की नौकरी छोड़ी तो ग्वाला भाई ने स्कूल में लगवा दिया, दूसरा एहसान उन्होंने मेरे एक स्टूडेंट पे किया। बदला लेना धर्म का काम माना जाता है बुंदेलखंड में। त्यागी ने बहनों का बदला लेके अपना धर्म निभाया और अब उसका ताऊ बेटों का बदला लेके अपना धर्म निभाने वाला था। पूरे बुंदेलखंड में बस एक ही जगह थी जहां त्यागी छुप सकता था। ये तो क्रिमियन को मामला है, और तेनो तो पतो है राजवीर, मास्टर जी दूसरी जात के काम में दखल ना देते। महाराज, मास्टर जी की फौज में तो सब ही है, कटुआ कसाई भी है, काना कमांडो भी है। महाराज, जे मोड़ो मास्टर जी की फौज में भर्ती होने लायक है। अलसेशन कुत्तो है जे जीवन भर मास्टर जी की सेवा करेगा। जे हाथ देखें जाके महाराज, सिल्ली है पत्थर की, तीन तीन के हथौड़ा से मारो है, हथौड़ा से। फौज में शामिल होने को फैसलो तो मास्टर जी ही कर सकते हैं। जाके परीक्षा लेने के बाद पर वाके ले जाको, जिंदा रहना बहुत जरूरी है महाराज। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। महीनों गुजर गए, वही फार्म हाउस अब त्यागी का घर बन गया। रहने खाने को मिल जाता था, कुत्ते मिल गए तो मन भी लग गया। कभी कभार कोई और भी छिपने के लिए आ जाता, पर उससे भी मास्टर जी की कोई खबर नहीं मिलती। त्यागी के दिमाग में बस यही बात चलती रहती कि वो अब तक उस आदमी से नहीं मिल पाया था जिसने उसे जीवन दान दिया था। तो आसान ना दुनलिया से मिलनो, वो तभी मिलेगो जब वो मिलनो चाहेगा।